हेलो गाइस, करते हैं आप सभी का वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल, जहां पे मिलते हैं आपको 100% रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक और अपडेट, एक और इन्फॉर्मेशन के बारे में। जी हां, लैंड रिकॉर्ड्स, आपकी अपनी ज़मीन के रिकॉर्ड्स के मुताबिक। आपको पता ही होगा कि J&K में आज ड्राइव चल रही है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव, जिसमें स्टेट लैंड और घास चराई को रिट्रीव किया जा रहे हैं। वीडियो है वो हमारा लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेटेड हैं। आपको पता ही होगा J&K गवर्नमेंट ने सारे लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो डिजिटाइज किए हैं। वो सारे रिकॉर्ड्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो, हम इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले ही अगर आपको लैंड रिकॉर्ड्स के रिलेटेड सर्च करना होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि आपको सर्च करना है landrecords.gov.in। तो जैसे ही आप इस पे सर्च करोगे तो आपको मेन पेज जो है लैंड रिकॉर्ड्स लैंड इन्फॉर्मेशन का वो ओपन हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है सर्च लैंड रिकॉर्ड्स, अपनी ज़मीन अपनी आपकी निगरानी, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। उसी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लैंड रिकॉर्ड स्कैनर। यहाँ पे अगर आपको लिंक करना है मोबाइल आधार तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे जमाबंदी, तो यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का पहले ही सिलेक्ट करोगे आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको तहसील सिलेक्ट करना है। तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको विलेज सिलेक्ट करना है। विलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्शन ऑफ ईयर करना है। अगर आपका रिकॉर्ड, अगर आपको इंतकाल हो चुका है 2019-20 से पहले, तो आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा तो आप उसको आसानी से रिट्रीव कर सकते हो। अब जिन्होंने 1920 से पहले इंतकाल किया होगा तो उनको कैसे निकालना होगा, वो अपने दादा का नाम लिख सकते हैं या अपने बाप का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा खेवट नंबर। खेवट नंबर पे आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद या तो आप खेवट नंबर दे सकते हो या यहाँ पे आपको खेवट नंबर की जगह ओनर्स नेम भी चेक कर सकते हो। जैसे आप ओनर्स का नाम देंगे वहाँ पे आपको बहुत सारे उस विलेज के जितने भी जिनके नाम पे ज़मीन है उनके नाम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। फिर आप वहाँ पे किसी एक का भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसका हमने किया, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको उसका रिकॉर्ड दिखेगा, उसका ज़मीन जितनी भी है वो आपको दिखेगा। यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, 22 लैंग्वेज में ये रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। अगर आप उर्दू में चाहते हो तो उर्दू में ही कर सकते हो। यहाँ पे सर्च करने के बाद जैसे ही हमने सर्च पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारे PDFs यहाँ पे खुल रही है खेवट नंबर के हिसाब से। फिर आप अगर आपके पास कोई पुराना इंतखाब है उससे आप अपना खेवट नंबर चेक करके कर सकते हो। फिर यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो उस रिकॉर्ड को। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके बाद उस वाले रिकॉर्ड को आप प्रिंट आउट निकाल के पटवारी के पास देख जाके मार्क और स्टैम्प करके किसी भी ऑफिशियल ऑफिस में सबमिट कर सकते हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन में कोई डाउट रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।